हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, आज मैं आपके सामने एक छोटा सा डिज़ाइन और खूबसूरत डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे आप किसी भी फ्लावर में यूज कर सकते हो। तो मैंने ये जो पीस लिए हैं, आज हम इसी से ही खूबसूरत पीस बनाएंगे। तो मैं आपको इनका नाप बता देती हूँ। ये मेरे दो पीस हैं जो 4-4 इंच के हैं। ये मेरी 9 इंच की एक लंबी पट्टी है जो 1.5 इंच की है। ये मेरी 9 इंच की पट्टी है जो 2-2 इंच की है। ये दो पीस है फ्रेंड्स मेरे। और ये मेरी 4 पीस है जो 4.5 इंच की इसकी लंबाई है और 2 इंच इसकी चौड़ाई है। तो ये हो गए फ्रेंड। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पीस को लेंगे और इसके साथ हमें जो कपड़ा जॉइंट करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे दो पीस हैं जो 2.5-2.5 इंच के हैं, जो हमें इसमें यूज करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस पीस को हम बीच में से कट कर लेते हैं। ऐसे ही हम इसको भी कट करेंगे बीच में से। तो हम पहले निशान लगा लेते हैं, निशान पे हम कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, निशान लग गया है। अब हम इसको कट कर रहे हैं। तो हमने इसी निशान पे, इसी लाइन पे बिल्कुल सीधे कट करना है। तो देखिए, हमारे दो पीस हो गए। तो अब हमें क्या करना है, ये पीस इस तरीके से अंदर की तरफ लेना है, इस तरीके से। ऐसे हम पहले इसको भी कट कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। तो ये हो गया। तो इसको भी हम अंदर की तरफ इसका कर देंगे इस तरीके से। तो ये हो गया फ्रेंड्स। तो अब हमें इसे सिलना कैसे है, तो मैं आपको इसका सिलना बताऊंगी। ये देखिए, मैंने निशान लगा लिया है। ये देखिए, तो हम इसे इसी निशान पे नीचे को कर देंगे इस तरीके से। ये हमने पिन लगा लिए, जिससे कि हमारा जो भी हमारा सिलना है हमें वहीं से ही हमारा जुड़ा हुआ रहे, खिसके ना। तो ऐसे हो गए फ्रेंड्स। ऐसे ही मैं इस पर कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमने लाइन लगाई है इसी लाइन पे हमें सिलना है। तो हमें ये दोनों पीस हमें सिलने हैं। तो मैं सिल के दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा सिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये हिस्सा है इधर का, जो अब हमारा ये एक्स्ट्रा पीस है, उसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये हो गया। ये हमने इसके कोने भी कट कर लिए। ऐसे हम इसको भी कर लेंगे जैसे भी। तो देखिए, देखिए इसको, ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और जो हमने कट किया है उतना ही हिस्सा में यहाँ से तैयार मिल जाएगा दूसरे शेड का। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हो गया फ्रेंड्स। ऐसे हम इसको कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, ये दोनों पीस हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाले पीस लेंगे और हम एक एक पीस, हमें ये हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था फ्रेंड्स, ताकि हम बाद में इसको कट कर सकें। तो इस तरीके से हम इसको बिछा लेंगे। तो ऐसे ही हम इसको यहाँ बिछा लेंगे और इसको यहाँ। तो ये हो गया फ्रेंड्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इस पर रखेंगे, यहाँ से सिल देंगे, पलट देंगे, इसको भी यहाँ रख के सिलेंगे और पलट देंगे। सेम हम ये करेंगे। तो मैं आपको ये सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरीके से सिलना है, तो मैं इसको भी सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे हो गए हैं। अब हम इसको सीधी लाइन लेंगे और इसको जो भी हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो भी एक्स्ट्रा है वो सब निकल जाए। तो ये हो गया फ्रेंड्स, ऐसे ही हम इसको कट कर लेंगे और इसको भी कट कर लेंगे। तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये एक पीस लेना है और हमें इस पे रख के सीधे सिल देना है। फिर इसके बाद हम जब इसको पलटेंगे तो फिर हमें इस पीस को इस पे रख के इस तरीके से सिल देना है। तो ऊपर से हमें बराबर रखना है फ्रेंड्स, और जो ये मेरा एक्स्ट्रा है इसको हम पहले थोड़ा सा कट कर लेते हैं, ताकि जो भी मेरा एक्स्ट्रा है वो कट हो जाए। ये हमने एक्स्ट्रा लिया था फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा ये कुछ टुकड़े ये मेरे फालतू थे, जिससे कि मैंने आपको डिजाइन बनाना सिखा रही हूँ। तो ये हो गया फ्रेंड्स, इसको सिल लेते हैं। तो मैं आपको सिलने के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये वाली पट्टी जुड़ गई है और हमने ये पट्टी भी एक्स्ट्रा ली थी फ्रेंड्स। अब हम इसे इस पर रख के यहाँ से सिल देंगे, पलट देंगे। इसको भी ऐसे ही करेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ रख के इसको सिल देंगे और पलट देंगे। तो मैं इसको सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये हमारा पत्ती शेप तैयार हो गया है। आप कुछ भी फूल वगैरह बनाइए तो नीचे ऐसे ही इस पत्ती को इस्तेमाल कीजिए। और आप कलर करना चाहें तो इस तरीके से पत्ती को शेप दे दीजिए। ये हो गया फ्रेंड्स इस तरीके से। तो आप देखिए, कुछ ना कुछ ऐसे डिजाइन बनाइए और ऐसी चीज़ों को किसी ना किसी डिज़ाइन में यूज कीजिए। जब भी आप, मैंने इतने सारे आपको फ्लावर के डिज़ाइन बनाने सिखाए हुए हैं फ्रेंड्स, तो आप कोई से भी फ्लावर को बनाइए और उसके साथ इसको नीचे जॉइंट कीजिए, तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा फ्रेंड्स। तो आप ऐसे मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।